में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मैं बताता हूँ आपके बेबी को जॉन्डिस है तो मेरे को रिस्पॉन्स आता है डॉक्टर साहब ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम धूप दिखा देंगे और सब ठीक हो जाएगा डिस्कशन शुरू होने के पहले ही डिस्कशन खत्म हो जाता है ना जो धूप है या सनलाइट है ये दिस इज नॉट ओनली इनफेक्टिव एट द बेस्ट बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल चलो अपन ये समझते हैं इनफेक्टिव क्यों है अपन ने स्कूल में पढ़ा है कि सनलाइट एक प्रकार की वाइट लाइट होती है इसमें अलग अलग लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं हम लोग जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए ब्लू लाइट यूज करते हैं और ये वाइट लाइट का एक छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है अब अपने को अगर वाइट लाइट देना है तो अपने को बहुत ज़्यादा प्रमाण में देना पड़ेगा कि वो इफेक्टिव ब्लू लाइट डिलीवर करे अपन किस तरह से सनलाइट को इफेक्टिव बना सकते हैं चलो ये देखते हैं एक है कि अपन बच्चे वो ज्यादा एरिया बच्चे का एक्सपोज करे लाइट को अब ये पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि अपने पास एक ही सन सन है ऊपर से शाइन होगा तो अपन बच्चे की पीठ या उसकी छाती को दिखा सकते हैं और जनरली मैंने देखा बच्चे का सबसे ज्यादा भाग सरफेस एरिया जो हम बोलते हैं वो सर होता है उस पर तो अपन टोपी ढक देते हैं ठंडी से अवॉइड करने के लिए हाथ पैर को भी अपन ग्लोव पहना देते हैं या बूटीज या मिटन पहना देते हैं तो एरिया जो एक्सपोज होता है बहुत कम होता है तो अपन ये एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते हॉस्पिटल में हम लोग जब फोटोथेरेपी देते हैं हम कभी कभी डबल सरफेस यूज करते हैं यानी ऊपर और नीचे से दोनों से लाइट देते हैं पर ये सन के साथ पॉसिबल नहीं है दूसरी तरीके से अपन कैसे इफेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ा के पर अगर अपन सनलाइट जब देते हैं बच्चों को हम लोग ने देखा हम सुबह देते हैं तब तो सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है अगर इंटेंसिटी अपने को बढ़ाना ही है तो अपने को दोपहर को दिखाना पड़ेगा लेकिन फिर दोपहर को सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रा रेड रेज दोनों की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है ब्लू लाइट के साथ साथ और ये दोनों अपन सब जानते हैं काफी हानिकारक होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज कभी कभी म्यूटेशन करते हैं और कैंसर भी होता है स्किन कैंसर जो अपने आप ऑफकोर्स लेस कॉमन है पर होता है और इंफ्रा रेड रेज से तो टैनिंग होती है जो मम्मी बार बार हमें पूछती है भाई हमारा बच्चा काला क्यों पड़ रहा है तो ये दोनों की भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये भी अपने लिए सोल्यूशन नहीं है तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता तीसरा सोल्यूशन है कि आप ज्यादा देर एक्सपोज करो हम लोग फोटोथेरेपी हॉस्पिटल में कंटिन्यूस देते हैं चौबीस घंटे इनफैक्ट इंटरमीडिएट फोटोथेरेपी भी नहीं दे पाते क्योंकि इफेक्टिव नहीं है और सनलाइट कितनी देर दे पाते अपन मैक्सिमम तीस या चालीस मिनट तो कैसे इफेक्टिव हो सकता है आपको सनलाइट दिन भर दिखाना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली अपने लिए पॉसिबल नहीं है तो सनलाइट अल्टीमेटली एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है पेरेंट्स के लिए कि हम धूप दिखा रहे हैं और जॉन्डिस कम हो रहा है इनफैक्ट जॉन्डिस कम होता ही नहीं है और ये बच्चे हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं इसके कारण और बहुत बार वो ऐसे लेवल पे आते हैं कि डॉक्टर्स के पास कोई उप, नहीं रहते फोटोथेरेपी भी वर्क नहीं करेगी ऐसे कंडीशन में और हमको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या दवाइयां यूज करना पड़ता है जिसके साइड इफेक्ट होते हैं तो इस तरह से ये फॉल्स सेंस फॉल्सेंगे कब जो सनलाइट काम में आएगी जब एक्चुअली जॉन्डिस को ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं तब आप धूप दिखाएं अदरवाइज तो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में उसका कोई रोल नहीं है और हार्म तो हो गई जैसे अब अब देखिए नॉर्थ में होती है ठंडी तो ठंडी के कारण आप ज्यादा बच्चे को एक्सपोज ही नहीं कर पाते ज़्यादा एक्सपोज़ करेंगे तो बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जाएगा नागपुर में होती है गर्मी जहाँ इतना डिहाइड्रेट हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और जो मैंने डिस्कस किया स्किन डार्क हो जाना यह भी एक साइड इफेक्ट ही माना जाएगा अल्ट्रावायलेट रेस से इवन एक केस हुआ था यहाँ बच्चा भी बच बच्च भी नहीं पाया उन्होंने धूप में रख दिया था जॉन्डिस uh, तो सर कुछ बच्चे जैसा आपने बताया साठ से अस्सी परसेंट बच्चों को जॉन्डिस होती है जो इविडेंट हो जाती है थोड़ा ग्लोबिन तो सही का पड़ता है क्योंकि उनके जो रेड सेल्स से हैं वो टूटते हैं तो इसमें कुछ बच्चों को तो फोटोथेरेपी लगानी पड़ती है सर सभी बच्चों को तो नहीं लगानी पड़ती तो ये कैसे हम कै, कैसे सोचते हैं कि, कि किस बच्चे के अंदर जॉन्डिस ज्यादा बढ़ जाएगा और किस बच्चे के अंदर जॉन्डिस नहीं बढ़ेगा देखिए जब बेसिकली जब आपके पास आते हैं बच्चे हम हर बच्चे को तो एडमिट नहीं करते ना अपन नहीं तो कैसे सर डिसाइड करते हैं कैसे डॉक्टर सोचता है कि इसको मैं, मैं क्या करना चाहिए मुझे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग को ये एक्सप्लेन करना बहुत बार पेशेंट्स को डिफिकल्ट हो जाता है कि डॉक्टर किस ढंग से सोच रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में क्लैरिफाई करना चाहूंगा जब बच्चे का जन्म होता है तभी उसके बॉडी में जैसे मैंने आपको समझाया था बिलुरुबिन आना शुरू हो जाता है और ये कम मात्रा में रहता है जैसे दो मिलीग्राम के मात्रा में रहता है और ये ग्रेजुअली पाँचवें दिन तक बढ़ते जाता है और यूजुअली हम लोग ने देखा है कि अबाउट नाइन्टी सेवन परसेंट में ये बारह या चौदह मिलीग्राम के आसपास तक आ पाता है अपने को जॉन्डिस नज़र आता है चेहरे पर जब वो पाँच मिलीग्राम का हो जाता है हम लोग बच्चों की आँख खोल के देखना बहुत बार डिफ़िकल्ट मानते हैं क्योंकि इजी नहीं होता बच्चों की आंखें खोलना हम लोग को यूज करना पड़ता है, कर है तो आंख में आपको सबसे जल्दी नजर आता है। पर चेहरे परूबिन नजर आने लगता है, तब वो के चले जाता है और जब छाती पे नजर आता है तो वो दस के आसपास होता है हाथ पैर में पंद्रह के आसपास हो जाता है फोटोथेरेपी हमको देना पड़ता है जब भी अपना जॉन्डिस बारह या चौदह के ऊपर जाने लगता है क्योंकि अगर अपन इस समय पर ट्रीट नहीं करेंगे तो करीबन दो से तीन परसेंट बच्चों का जॉन्डिस बीस तक चले जाएगा अब ये बीस का फिगर कहां से आया हम लोग ने देखा है जब बिल्युबिन बीस से पच्चीस के ऊपर जाने लगता है तो ये जो पीलापन है जो बिल्यूरुबिन हम बोलते हैं बच्चों के ब्रेन में जाने लगता है और बच्चे सुस्त होने लगते हैं दूध कम पीते हैं और अगर और ज्यादा मात्रा में जाए तो एक कंडीशन होती है कर्निक ट्रस्ट जो आगे चलकर सिरबी में लीड कर जाती है तो हर डॉक्टर चाहता है कि भले इंसिडेंस कम हो लेकिन ऐसा अपने बच्चों के साथ होना ही नहीं चाहिए और ये नहीं होने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फोटोथेरेपी जल्दी से जल्दी शुरू करें और कब शुरू करना चाहिए फोटोथेरेपी इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन से दिन पे बच्चा हमारे पास आता है और उसके साथ एसोसिएटेड और कोई बीमारियां है क्या जनरली हम लोग चाहते हैं कि अगर बच्चे में और कोई ब्लड ग्रुप के प्रॉब्लम्स नहीं हो कोई बीमारी नहीं हो तो चौदह से पंद्रह के लेवल पे हम लोग ने फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए पर कई बार हमको जल्दी भी स्टार्ट करना पड़ता है पर्टिकुलरली जब बच्चे पर्टिकुलरलीचर होते हैं या उनमें कोई कंडीशन होती है जैसे या कोई कमतरता होती है जिसके कारण अपने रेड सेल्स जल्दी टूटने लगते हैं तो हम लोग फोटोथेरेपी जल्दी भी शुरू करते हैं सर आपने ब्लड ग्रुप की बात करी है तो जैसे ज्यादातर माओ का तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है कुछ माओ का नेगेटिव होता है तो खासकर जो ओ वाली मदर हैं वाली मदर हैं तो क्या जो होता है ब्लड हाँ जो कॉमनली लोगों को मालूम है वो दो है, course, बहुत सारे ब्लड भी है पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वो दो है एक ए बी ओ सिस्टम है जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं बी एक्सेट्रा और दूसरा होता है आर एच सिस्टम जिसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की साइन जोड़ते हैं अब आमतौर पे हम लोग ने देखा अपने कॉमन ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ओ काफी कॉमनली पाया जाता है और अगर बच्चे में ए या बी ब्लड ग्रुप आ जाए और माँ ओ ब्लड ग्रुप की हो तो इनको ए बी ओ इनकॉम्पेटिबिलिटी करके बोलते हैं आर एच में क्या होता है जनरली अपने आप प्रिडोमेंट पॉपुलेशन लेट से 80 से 90 प्रतिशत लोग पॉजिटिव होते हैं और दस प्रतिशत नेगेटिव होते हैं अगर माँ नेगेटिव रही और हस्बैंड पॉजिटिव रहा तो फिर बच्चे के पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर इसमें इंट्रैक्शन होने के कारण हमको आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है दोनों कंडीशन में काफ़ी जॉन्डेस बढ़ने की संभावना और उसके कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है तो हमको ब्लड ग्रुप के बारे में सतर्क होना बहुत ज़रूरी आज के ज़माने में पर्टिकुलरली शादी के समय भी हम लोग ऑफकोर्स शादी ब्लड ग्रुप के ऊपर से नहीं जुड़ती है वो हम लोग सब जानते हैं लेकिन जुड़ने के बाद प्रेगनेंट जब हो जाते हैं तो अपन ने ब्लड ग्रुप की तरफ स्पेशल ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसके लिए ऑप्टिमम प्रिपरेशन करना बच्चा होने के पहले अपने को ये मालूम रहना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ के ब्लड ग्रुप क्या है और हमको किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए तो आपकी बातों से मैं ये अभिप्राय रखूँ कि जिन माओ का ब्लड ओ ओ, ओ ग्रुप का है वो ज्यादा सतर्क रहे और जिनका नेगेटिव है वो तो बहुत ही सतर्क रहे बहुत ही सतर्क उसमें कई बार ब्लड चेंज भी करना पड़ जाता है बच्चों का तो ए, क्या आप ये कहेंगे कि उन्हें इस तरह का नेगेटिव ग्रुप अपनी फैमिली में से तैयार रखना चाहिए जो माँ के साथ मैच करता हो कि इमरजेंसी आने पे बच्चा डिलीवर होने पे अगर खून चेंज करने की नौबत आए तो खून ढूंढना ना पड़े क्योंकि Correct. नेगेटिव ग्रुप आराम से मिलता नहीं है मिलता नहीं है एप्सोलूटली करेक्ट मैं वही समझाना था की अपने को सतर्क रहना बहुत जरूरी है बहुत बार एंड मोमेंट पे भागा दौड़ी हो जाती है ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिलता है और इस तरह से बच्चे का ट्रीटमेंट लेट हो जाता है और कई बार हम लोग ने देखा है बच्चे का लेवल बिलूरुबिन का 20-25 के आसपास है तो हमको 24 घंटे के अंदर उसका एक्सचेंज करना बहुत अनिवार्य हो जाता है नहीं तो एक्सचेंज करने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिलने जिसके लिए हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं इसीलिए या तो आपने बताया कनेक्टेरस हो जाता है या बच्चे हाँ, दे, सहरे भी, 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 भी हो जाते हैं बहरे भी हो जाते हैं उनके कान कान की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती है तो इसलिए जितने भी नेगेटिव ग्रुप वाले पेरेंट्स हैं उन्हें एक अपनी क्योंकि जनरली नेगेटिव ग्रुप मदर साइड पे ही मिलेगा या अपने फ्रेंड्स में क्योंकि नौ महीने का टाइम मिलता है आपको तैयारी के लिए तो आप ये क्रॉस मैच करा के रखे अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से कि इनका ग्रुप अगर जरूरत पड़ी बच्चे के लिए पैदा होने के बाद तो वो ग्रुप यूज हो जाएगा तो सर मैं आपका मैसेज यही समझाऊ इस बात से और जो ओ ग्रुप वाली मदर है उनमें सेंसिटाइजेशन ज्यादा होता है तो उनके साथ अगर ए ग्रुप का या बी ग्रुप का बच्चा पैदा होता है तो उसमें जॉन्डिस के चांस ज्यादा हो जाते हैं एक आपने बताया जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं जो पैंतीस या सैंतीस सा, सा, हफ्ते से पहले पैदा होते हैं तो उनमें जॉन्डस ज्यादा कॉमन है तो ये जो मैसेज है आपका कि अगर जॉन्डिस पहले दिन जैसे हमने देखा पहले दिन जनरली बच्चों को जॉन्डिस नहीं होती दूसरे और तीसरे दिन पता चलती बिलुबन का लेवल जब ज्यादा हाई होता है तो जो सर जिन बच्चों को पहले दिन ही जॉन्डिस हो जाती है तो उस उसका क्या मतलब है सर क्या वो ज्यादा सीरियस है हाँ ये भी बहुत ही वैलिड प्रश्न है और इसको इसको मैं इलेबरेट करना चाहूंगा जनरली जो अपन अभी तक बात कर रहे थे वो ये जॉन्डिस था जो बच्चों में कॉमनली पाया जाता जो है जो पेरेंट्स बोलते हैं कि 60 प्रतिशत अस्सी प्रतिशत बच्चे में तो जॉन्डिस होता ही है फिर डॉक्टर इतना क्यों हमें डरा रहे हैं बेसिकली इसका रीजन ये है कि जो जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ये जॉन्डिस जनरली अड़तालीस घंटे बाद यानी दो दिन बाद नजर में आता है और ये बढ़ता है दो हफ्ते तक और फिर धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है लेकिन एक प्रकार का जॉन्डिस होता है जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ना ये इसके कारण इसके पीछे कुछ बड़ा कारण छुपा होता है और ये जॉन्डिस 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट कर जाता है और जब ये 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट किया है इसका मतलब काफी बच्चों को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन लगने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे जॉन्डिस जो होते हैं ये जनरली ब्लड ग्रुप या जी सिक्स पी डी रिलेटेड जॉन्डिस होता है जी सिक्स पी डी मैं डॉक्टर अनु अनु, अनु रस्तोगी सर से बात कर रहा था तो बता रहे थे मीरठ नॉर्थ यूपी साइड में जी सिक्स पी डी बहुत कॉमन है एक प्रकार का एंजाइम होता है अपने रेड ब्लड सेल्स में जो अपने रेड ब्लड सेल्स को मेनटेन करके रखता है अगर ये एंजाइम कम पड़ जाए और माँ या बच्चा एक्सपोज हो जाए ऐसे दवाइयों को और इन्फेक्शन को तो रेड सेल्स कई बार इसके कारण जल्दी टूट जाते हैं तो ये जी सिक्स पी डी में जॉन्डिस बहुत ही सीवियर और रैपिडली बढ़ता है ये भी चौबीस घंटे के अंदर कभी कभी अड़तालीस घंटे के बाद भी प्रेजेंट करता है पर चौबीस घंटे का जॉन्डिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि डिस्चार्ज भी जब अस्पताल से बच्चा होता है तो बच्चों के डॉक्टर ने या तो उसको अच्छे से देखना चाहिए कि जॉन्डिस है कि नहीं या उसका एटलीस्ट एक, एक बार सबसे अच्छा ये हो सके कि उसका एक बार बिलीरुबिन चेक हो जाए क्योंकि मैंने ये देखा है कि इवन एक्सपीरियंस डॉक्टर से बिलीरुबिन का जजमेंट करने में काफी हद तक एरर्स हो जाते हैं तो पेरेंट्स को जज करना तो, बहुत ही मुश्किल है। तो एक भेजा करे। ऐसा डिलीवरी आपने अपनी हॉस्पिटल में कराई और वहां आपके बच्चों के डॉक्टर दूसरे हैं और फिर आप उनके पास छुट्टी होने के बाद दोबारा दिखाने नहीं जाते हैं जैसा कि उन्होंने बोला है और आप फिर दूसरे डॉक्टर के पास फिर पाँच छह दिन बाद जब पहुंचते तब तक पीलिया बहुत बढ़ गया होता है तो इस अच्छा सर इसमें कुछ माँ के खाने पीने का भी असर पड़ता है कि माँ के खाने पीने से हल्दी खाने से या कुछ स्पेशल खाने से बच्चे की जॉन्डिस बढ़ जाती हो ऐसा कुछ है सर हाँ जैसे मैंने बताया आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चा होने के बाद माँ ने बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए और पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए क्योंकि एक कॉमन जॉन्डिस जो हम लोग देखते हैं बच्चों में उसका नाम होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इनफैक्ट मैं चाहूंगा इसका नाम बदल के ब्रेस्ट नॉट फीडिंग जॉन्डिस बोलना चाहिए क्योंकि क्या होता है बहुत बार माँ प्रॉपर तरीके से बच्चे को दूध ही नहीं पिला पाती क्योंकि उसको दूध आता ही नहीं है उसका मेन रीजन है ये लोग खाना ठीक से खाते ही नहीं है ये लोग क्या करते हैं सब चीज़ खाना छोड़ देते हैं इनफैक्ट कम से कम खाना और बहुत ही टेस्टलेस खाना खाने की कोशिश करते हैं उसके कारण बच्चे को माँ का पर्याप्त मात्रा में दूध पहुंचता ही नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स माँ ने दो जनों का खाना खाना चाहिए एक जन का नहीं यहाँ तो वो आधे जन का भी खाना नहीं खा पाती है और कोई डायटरी नहीं सौ कैलोरी एक्स्ट्रा खाना चाहिए एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट सर

बच्चे ने पेशाब कितनी की है अब ये आज के जमाने में थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए पहले के जमाने में क्या था एक पांच छह साल पहले की बात है ये लोग घर में डायपर्स नहीं यूज करते थे कॉटन नैपीज यूज करते थे तो हम लोग बोलते थे भाई कितने नैपीज गीले हुए आप नाप लो छह सात नैपी गीले हो गए तो अपना बच्चा अच्छा पेशाब कर रहा है आज डायपर में माँ को पूछो कितने बार पॉटी किया कितनी बार यूरिन किया तो उनके पास कोई आंसर होता ही नहीं है सो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती पता लगाने में दूसरा है कि बच्चा आपका चिड़चिड़ा या सुस्त ना हो जाए अगर वो एक्टिव है हर दो से तीन घंटे में उठ रहा है दूध मांग रहा है दूध पी रहा है और तीसरा है वजन बढ़ रहा है कि नहीं बच्चे का और कभी कभी डिहाइड्रेशन में हमने देखा है कि टेम्परेचर भी बच्चे का बढ़ जाता है तो ये सर ये सब चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए तो अपने को थोड़ा बहुत पता लग सकता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है कि नहीं माँ की तरफ से एक सर मुझे लगता है अगर पेरेंट्स डॉक्टर के पास दोबारा दिखाने जाएं तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि सभी बच्चे 10 परसेंट तक फर्स्ट वीक में वेट वेट फॉल लूज करते हैं जिन बच्चों का 10 परसेंट से ज्यादा वेट लूज हो जाता है उनका सोडियम बढ़ जाता है उन्हें पीलिया बढ़ जाता है और उनमें और तमाम तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जो बींग uh, पेरेंट्स आप नहीं जज कर सकते हो आपने भले ही हॉस्पिटल से नॉर्मल बच्चे की छुट्टी कराई है तो आप उसे वेल बेबी चेकअप के लिए लेके जरूर जाए चौथे पांचवे दिन और उसके डॉक्टर को दिखाएं जिससे वो, वो ये जज करेंगे कि उसको एडिक्वेट फीडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है जैसा सर ने बताया कि अब सब लोग डायपर यूज करने लगे हैं और डायपर जनरली तीन तीन चार चार घंटे तक खोला भी नहीं जाता और उसमें कई बार स्टूल मिक्स हो जाता है तो ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है कि, कि कितने रियल वेट डाइपर्स हुए यूरिन की फ्रिक्वेंसी से जो पहले पता चल जाता था वो भी नहीं पता चलता है एक पहले नजरिया पहनाया जाता था हाथ में छोटी सी माला पहनाई जाती थी छोटे मोतियों की तो वो काफी लूज हो जाए तो भी पता चल जाता है कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है तो बच्चे को वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे में आपके बच्चे को जो पीलिया जो साधारण पीलिया था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस था वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में कन्वर्ट हो सकता है भले ही उसका खून ना चेंज करना पड़े परंतु हो सकता है कि वो का, आपकी कान के सेल डैमेज कर दे और बच्चा आजीवन बहरा रह जाए या ना भूल पाए देखिए हमारे कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं है कॉस्ट की वजह से आप सब बच्चों के कान का चेकअप भी नहीं कराते हैं कि वो सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं तो कई बार ये आपसे अनडाइग्नोज रह जाएगा और बाद में बच्चे को जब बोलेगा नहीं वो बच्चा तब ये जाके धीरे धीरे खोजते खोजते पता चलेगा कि इसको सुना ही नहीं देता तो सर जो ये जॉन्डिस है उसमें आपने बताया कि फीडिंग एडिक्वेट देनी चाहिए और खासकर जाड़ो में जैसे नॉर्थ में जाड़े बहुत हैं तो बच्चा दिखाई नहीं देता काफी सारे कपड़ों में रहता है दादी माँ की गोदी में रहता है तो फीडिंग प्रॉपर मिल रही है वेट लूज कर रहा है सब कुछ पता ही नहीं चलता है तो ऐसे में बीच बीच में आ, क्या स्किन को दबा के प्रोमिनेंस पे देखते हैं तो वो पीला दिखाई देता है तो बीच बीच में आप उसकी माथे की त्वचा को प्रेस करके देख सकते हैं कि उसमें पीलापन तो नहीं दिख रहा जैसा कि सर ने बताया कि फेस पे फेस पे फाइव जब फेस पे आती है तो पांच होता है और हथेली और तलवे अगर पीले दिखने लगे तो पंद्रह से ऊपर हो जाता है बट ये एक आर्बिट्री है इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते आपके बच्चे को जब भी पी लिया हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना ही चाहिए और खासकर अगर आपके यहाँ ग्रुप की डिस्क, डिस्क्रिपेंसी है तो भी और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्लड ग्रुप और फीडिंग है जो फीडिंग पे अगर आपका ध्यान नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है अच्छा सर कुछ बच्चों को हल्का हल्का पीलिया रहता है और वो वो ठीक हो जाते हैं हैं और और फिर दो हफ्ते बाद सफेद कलर का पॉटी करने लगते हैं और उनको हल्का पीलिया रहता है तो ये किस वजह से सर इसका कोई सीरियसनेस है इसमें भी कोई या इसमें ड्रॉप दे के सही कर सकते हैं पेरेंट्स हम्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी का अंदाज डॉक्टर को सिर्फ बच्चे के पीलिए से और पॉटी के कलर से पता लगता है जब भी जैसे मैंने आपको पहले पंद्रह बीस मिनट पहले बताया था कि फिजोलॉजिकल पीलिया जो है वो जनरली दो हफ्ते से तीन हफ्ते में कम हो जाता है इसका मेन रीज़न ये होता है कि लिवर आपका मेच्योर हो जाता है और बिलीरुबिन को वो आ, मोशंस में निकालने में कामयाब हो जाता है लेकिन अगर आपको बच्चा दो या तीन हफ्ते के बाद भी पीला दिख रहा है और उसकी पॉटी सफेद है इसका मतलब है उसका जो पीलापन है वो लीवर से पॉटी में नहीं आ पा रहा इसका मतलब कहीं तो भी बाधा आ रहा है और ये बाधा बहुत जल्दी पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसको हम बोलते हैं बिलियर या का एक प्रमाण है और ये इस कंडीशन में बच्चे का लीवर डैमेज होते जाता है क्योंकि जो पीलापन उसको मोशंस में फेंक देना चाहिए वो फेंक नहीं पाता और अंदर ही अंदर जमा करके लिवर चले जाता जाता है है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, पेट ऑक्यूपाई कर लेता है और ऐसे बच्चे अगर दो महीने के अंदर सही ट्रीटमेंट पे नहीं आ पाए तो इनका लीवर आगे चलकर फेल हो जाता है फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है और कभी कभी उसके बावजूद हम ये बच्चे खो जाते खो बैठते हैं तो बहुत जरूरी है कि दो हफ्ते बाद अगर आपको बच्चे की आंखें पीली लग रही है तो पॉटी की तरफ ध्यान दें और पॉटी अगर बीच बीच में भी आपको सफेद लग रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है और एक पीलिया का लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बिल रूबिन इसका एस्टिमेट करना बहुत जरूरी हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था थैंक यू जी ये कंडीशन बहुत जरूरी है जल्दी डिटेक्ट क्योंकि इसमें सर आपने बताया दो महीने से अगर लेट हो जाए तो फिर लीवर किसी काम का नहीं बचता काम का नहीं बचता तो इसलिए दो महीने से पहले इसकी डायग्नोसिस होनी बहुत जरूरी है और वो डायग्नोसिस आप स्वयं नहीं कर सकते वो आपका डॉक्टर ही आपको उसमें डायग्नोस करने में हेल्प करेगा सर कुछ और कंडीशन भी है जिसमें पीलिया बढ़ जाता है जैसे थायराइड थायराइड जब लो होता है तो भी पीलिया हो जाता है जी हाँ सर थायराइड का टेस्ट क्या हर बच्चे का होना चाहिए सर और कब होना चाहिए एक्चुअली थायराइड ये बहुत ही कॉमन कंडीशन मानी जाना चाहिए क्योंकि 4000 में से एक बच्चे को थायराइड की कमी होती है और इंडिया में तो काफ़ी मदर्स का स्क्रीनिंग होता ही नहीं है हम लोग यहाँ पे अभी भी टेंडेंसी ये है कि बच्चा अभी भी मेरे ओपीडी में ऐसे पेशेंट आते हैं दो साल तीन साल पे जब वो मेंटली काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके रहते हैं और इनको ये भी नहीं पता रहता है कि थायरॉयड की कमी थी बाहर के देश में इंडिया छोड़ के सब जगह जन्म पे ही बच्चों का थारॉयड स्क्रीनिंग हो जाता है इंडिया में थायरॉयड स्क्रीनिंग कब होता है या तो बच्चा जब थारॉयड से बीमार ग्रस्त हो जाता है जिसको हम क्रेटिन बोलते हैं या मेंटली रिटार्डेड हो जाता है या लकीली आजकल मम्मी का अगर थायरॉयड टेस्ट हुआ है और मम्मी का थारॉयड कम होने पे तो भी मेरे ख्याल से 30 या 40 परसेंट बच्चों का थारॉयड टेस्ट होता है तो बच्चे का थायरॉयड टेस्ट होना बहुत जरूरी है स्पेशली अगर मम्मी को है नहीं भी हो तो एक बार थायरॉयड टेस्ट पहले पंद्रह बीस दिन में या महीने में हो जाना चाहिए हर बच्चे का सर जो हम प्रोटोकॉल रखते हैं हम हर बच्चे का तीसरे दिन के बाद थायराइड टेस्ट कराते हैं ये कहा जाता है तीन दिन से लेकर चौदह दिन के बीच में थायराइड पॉजिटिव आने के चांस सबसे ज्यादा है हाँ, हाँ. और तीन दिन से पहले अगर आप कराएंगे तो जनरली मदर का थायराइड लेवल रिफ्लेक्ट होगा और वो कई बार आप थायराइड को मिस कर सकते हैं तो थायराइड टेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है पीलिया के लिहाज से भी और ब्रेन सेल के बनने के लिहाज से भी जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा हार्मोन है वो थायराइड है और अगर वो शुरुआती स्तर पे अगर थायराइड बच्चे को नहीं मिल रहा है तो वो बच्चा जो है दिमाग से कमजोर रह सकता है और आगे चल के क्रैटिन बोलते हैं उसको वो बच्चा लो आई क्यू रह जाएगा तो ये भी आपने सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बताया थायराइड का तो इसे इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है वो ऐसी बहुत सारी बातें जानता है उस बच्चे के हित में कि जो उसको फ्यूचर में ठीक रखेगी उसको ब्लाइंडली ध्यान ना देना या ये सोचना कल दिखा लेंगे ये कल दिखाने वाला सिस्टम ठीक नहीं है खासकर शुरुआती तौर पे पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन जब पीलिया दिखता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो पीलिया के बढ़ने का टाइम है जनरली जो फिजियोलॉजिकल ड्राउंड है वो छः सात दिन के बाद थोड़ा घटना शुरू हो जाती है और उसका क्रिटिकल लेवल जो ब्रेन सेल को नुकसान पहुंचाता है या कान को नुकसान पहुंचाता है जनरली नहीं रहता है तो उस समय अगर थोड़ा बहुत पीलिया अगर आपको निकलता भी है तो डॉक्टर उस पर दूसरे तरीके से अप्रोच करेगा तो कहने का भी प्राय ये एक बच्चा जिसे जैसे पहले दिन पता चला एक जिसे तीसरे दिन पता चला एक जिसे आठवें दिन पता चला तीनों के लिए एंटायरली डॉक्टर की अप्रोच डिफरेंट होगी उसे आप एक सिंपल कोई लीवर की दवाई पिला के या धूप लगा के आप इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो बच्चे समय से पहले पैदा हो गए वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें पीलिया क्लियर होने में और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और उनका क्रिटिकल लेवल जैसे सर बताए थे 20 से 25 पूरे दिनों के बच्चों में क्रिटिकल लेवल हो जाता है उनका क्रिटिकल लेवल 15 से 20 लेवल पे भी आ जाएगा और उससे कम पे भी हो जाता है साथ में अगर उन्हें कुछ और बीमारियां भी हैं उन्हें वेंटिलेटर लग रहा है उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयां लग रही है या कुछ और परेशानियां हैं तो उनका पीलिया जल्दी बिगड़ सकता है तो आप पीलिया को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है सर और इसके अलावा कोई आप पीलिया से रिलेटेड बच्चों के लिए एडवाइस देना चाहेंगे सर आ, नहीं आपने जो प्रश्न उठाए थे इसी को अपन अगर समराइज करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीलिया को पेरेंट्स ने लाइटली नहीं लेना चाहिए उसे जैसे बच्चे का जन्म होता है तो एक तो तीसरे दिन के अंदर उसको ध्यान से बच्चे को देखे या डॉक्टर को दिखा दे थायराइड पे पर्टिकुलरली ध्यान दिया जाए बच्चे के स्टूल के कलर पे ध्यान दिया जाए बहुत इंपॉर्टेंट है माँ पर्याप्त मात्रा में बच्चे को बार बार दूध पिलाए अगर बच्चे के दूध हर दो से तीन घंटे में मिलता है और वो ध्यान देती है बच्चे की तरफ तो बहुत बार हम लोग ये फिजोलॉजिकल पीलिया अपने आप भी ठीक हो सकता है अगर दूध बराबर मात्रा में ना पिलाया जाए तो पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप के तरफ पर्टिकुलरली जैसे रस्तोगी सर ने बताया कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पहले से सतर्क रहे ब्लड का अरेंजमेंट जरूर करके रखें और ए बी ओ ब्लड ग्रुप वाले भी बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान दें ये मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर बच्चा मेल है तो आपके फैमिली में जरूर पूछताछ करें किसी को सीवियर जॉन्डिस हुआ है क्या क्योंकि हम लोग ने देखा है फैमिली हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर पहले बच्चे को पीलिया हुआ है तो कभी कभी उसके नेक्स्ट बच्चे को ज्यादा सीवियर पीलिया होने के चांसेस है प्रोग्रेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ जॉन्डिस होता है पर्टिकुलरली नेगेटिव माओ में होता है जी सिक्स में आपने को इससे एक आइडिया मिल जाती है कि अपने फैमिली में एक जी सिक्स है तो दूसरा ना हो या उसका ट्रीटमेंट पर्याप्त समय में हो तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस भी पता करके रखें तो डॉक्टर जब पूछे तो आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहे और तीसरा कभी कभी बच्चों के सर में आपको बड़ा सा गोला दिखता है और वो बहुत बार मिस हो जाता है ये गोला को हम लोग बोलते हैं ब्लड जमा होना सिफेल हेमेटोमा ये हम लोग ने देखा है बहुत बार बच्चे लोग हमारे पास आठवें नौवे दिन आते हैं और जॉन्डिस बहुत बड़ा रहता है उसका मेन कारण होता है जन्म के बाद उनके सर पे जो बड़ा सा कलेक्शन होता है ब्लड का वो अगर पहले से पेरेंट्स नोट कर ले और डॉक्टर को बता दे

इससे एक्चुअली दो तीन परसेंट नीचे भी हो दो तीन मिलीग्राम तो ज्यादा सेफ रहेगा आप पीलिया फोटोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद जब तक लेवल एटलीस्ट बारह के दो या तीन पॉइंट नीचे ना आ जाए तब तक न बंद करें तो ज्यादा अच्छा है नहीं तो रिबाउंड इफेक्ट से फिर से अपना ट्रीटमेंट वेस्ट हो जाता है फेल हो जाएगा और एक ऑब्जर्वेशन ये भी है जब बच्चा आपका सो रहा होगा शांत होगा तब पीलिया उसकी स्किन पे ज्यादा दिखाई देगा और जब वो रोएगा तो पीलिया कम दिखाई देगा और कई बार पेरेंट्स जो छुट्टी करा के ले जाते हैं वो कंप्लेंट करते रहते हैं पीलिया ठीक नहीं हुआ वो आंखें देखते हैं तो आंख वाला हिस्सा क्योंकि सफेद है उस पर पीलिया का असर काफी दिन तक दिखता है और क्योंकि स्किन थोड़ी डार्क होती है उस पर दिखना कम हो जाता है तो डॉक्टर आपको पूरा उस समय तक नहीं रखता है कि जब तक वो संपूर्ण पीलिया बॉडी में से निकल जाए बस उसका टारगेट ही होता है कि उसका रिस्की पीरियड जब वो ब्रेन पे टकरा सकता है या कान को डैमेज कर सकता है वो क्लियर हो जाए और उसके पीछे कोई सीरियस कारण छुपा हुआ ना हो क्योंकि जैसे कुछ बच्चे जो पेट के अंदर जिन्हें माँ का खाया पिया नहीं लगता छोटे रह जाते हैं वो बच्चे खासकर उन्हें अगर पीलिया हो जाए तो उसमें और कारण भी निकल आते हैं जैसे कुछ कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन है साइटोमिगैलो वायरस ऐसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन वगैरह हैं जो उनमें डर रहता है तो इसलिए डॉक्टर उसको कई एंगल से देखता है तो पेरेंट्स को ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो डॉक्टर के डिसीज़न है वो एक बहुत ही साधारण डिसीजन नहीं है वो मैथमेटिकल डॉक्टर के लिए तो हो सकते हैं बट वो पेरेंट्स के लिए मैथमेटिकल नहीं हो सकते कि वो एक अपना अंदाजा लगाएं कि दो दिन हो गए या एक दिन हो गए तो उसके पीछे डॉक्टर जो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और कुछ रिजल्ट टेस्टिंग के एकदम एक दिन में अवेलेबल भी नहीं होते हैं कुछ रिजल्ट तीन तीन चार चार दिन में पाँच पाँच दिन में आते हैं तब तक आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए सर और कोई सलाह देना चाहेंगे सर आप पीलिया से रिलेटेड नहीं आई अच्छा हमें बताया पीलिया के बारे में और मुझे लगता है इससे सभी लोगों को बहुत फायदा होगा थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग सो मच थैंक यू डॉक्टर सर Uh, this is such an important topic we always wish the child to be healthy forever now when the child the child is so tiny tot and we believe uh, at times the child will recover on its own way but we miss out the valuable time so what uh, uh, dr vikram has said today is going to help a lot I, uh, and then if it is not treated at the right time this may get into some serious uh, mental disorder maybe disability in course of journey so quite informative we will uh, look forward all of you to share this piece of uh, advice among the community because somebody will get benefited out of it so that is what is our effort and uh, once again thank you so much uh, from i'm the best mom to डॉक्टर विक्रम फॉर हैविंग एंड शेयरिंग ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू चाइल्ड एट ए अर्ली एज एंड हाउ बेस्ट वी कैन मैनेज ड्यूरिंग दाइफ डॉक्टर ऑडियंस टूटर फ्राम सर सर आप अपना मेल एड्रेस इसमें शेयर कर दीजिए और हम चाहेंगे कोई अगर हमसे अभी कोई पी लिया छूट गया है right. आप हमें लिख के और हम डॉक्टर uh, विक्रम और मैं उनका आंसर देते हुए बहुत ही uh, खुश होंगे और हम उसका पूरा आंसर देंगे अगर कोई एस्पेक्ट आपको और जानना है थैंक यू एब्सोल्युटली सर वी विल वी विल रिक्वेस्ट देम थ्रू ऑल द प्लेटफॉर्म सोशल प्लेटफॉर्म सो कीप देम इन सो लेट ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट एंड डू आस्क इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन वी विल ट्राई टू हैव आंसर फॉर दैट एज़ Thank you. Thank you so much, uh, Dr. Nusrat Sugi, sir, and Dr. Vikram Rajan. Thank you, sir. Thank you. sir.